अंपायर ने पांचवें दिन का खेल भी किया रद्द। अब छठे दिन होगा विजेता का फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का पांचवा दिन भी रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से विजेता का फैसला छठवें दिन किया जाएगा। बताएंगे आपको पूरी खबर, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैच का रिजल्ट निकले तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का चौथा दिन बारिश के नाम रहा। लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और दिन का खेल आखिरकार रद्द करना पड़ा। पहले दिन का खेल भी पूरी तरह बारिश से धुल गया था। मैच देखने को उत्सुक क्रिकेट फैंस निराश रहे। अब ऐसा पक्का माना जा रहा है कि इस मुकाबले में रिजर्व डे का भी इस्तेमाल होगा, यानी मैच 6 दिनों तक खेला जाएगा। साउथहैम्पटन में चौथे दिन लगातार बारिश होती रही और भारतीय समय अनुसार करीब 7:30 बजे अधिकारियों ने चौथे दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया। वही दोस्तों, भारी बारिश के चलते मुकाबले के पहले दिन टॉस तक नहीं हो पाया था। खेल दूसरे और तीसरे दिन हुआ, मगर खराब रोशनी के चलते समय से पहले ही दिन का खेल खत्म करना पड़ा। अभी तक 4 दिनों में कुल 141.1 ओवर का ही खेल संभव हो सका है। वही दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश के कहर को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन आईसीसी पर भड़क उठे हैं। पीटरसन का मानना है कि बेहद महत्व वाला कोई भी क्रिकेट मैच अपने अस्थिर मौसम के लिए बदलाव ब्रिटेन में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। आईसीसी को समझना चाहिए कि इतने बड़े मैच का फाइनल इंग्लैंड में कराने से पहले, सभी जानते हैं कि इंग्लैंड का मौसम कैसा रहता है। यहाँ पल पल में बारिश होती है, फिर भी जानबूझकर आईसीसी ने यहाँ मैच आयोजित की है। केविन पीटरसन ने इस महत्वपूर्ण फाइनल के लिए साउथहैम्पटन को चुनने की आईसीसी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, यह कहते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन कोई भी बेहद महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच ब्रिटेन में नहीं खेला जाना चाहिए। पीटरसन का मानना है कि फाइनल जैसा मैच दुबई में खेला जाना चाहिए, जहां मौसम से जुड़े व्यवधान की समस्या बहुत कम होती है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी पीटरसन की बातों से सहमत हैं? क्या इंग्लैंड में मैच नहीं आयोजित करना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वही दोस्तों, बुरी खबर ये है कि चौथे दिन का खेल रद्द होने के बाद आज पांचवें दिन यानी मंगलवार को भी पूरे दिन बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वेबसाइटों के मुताबिक साउथहैम्पटन में मंगलवार को भी बारिश की आशंका है। सुबह बारिश की भविष्यवाणी की गई है और दोपहर में भी कुछ ऐसा ही आलम रहने वाला है। हालांकि शाम को बारिश नहीं होने की संभावना है। वैसे अगर बारिश नहीं भी हुई तो भी खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ सकता है। बता दें, साउथहैम्पटन में मंगलवार को 94% बादल छाए रहने का अनुमान है। इसका मतलब दोस्तों, आज का खेल पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। दोस्तों, मैच में 4 दिनों में 360 ओवर किए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 141.1 ओवर का ही खेल हो पाया है। अब मैच में अधिकतम 196 ओवर ही किए जा सकते हैं और खेल सिर्फ एक दिन का ही बचा है। ऐसे में मैच के ड्रॉ होने का पूरा संभावना है। दोस्तों, यदि मैच ड्रॉ रहता है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।